मीडिया के सामने आए हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फ्रेंडशिप के लिए जो आप इतने आपने सालों से अपना इतना टाइम, इतना प्यार, इतना जज्बा, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, यू आर रियली हर्ट। हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरेस करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूं, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूँगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं, और या वो उनका उनके दिल में ही ये बात थी कि राशनी को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है, तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है, तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे, साइड में डाल देंगे, फेस के थोड़े से साइड। Subject: Complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. Sir, I, the above named residing at the above mentioned address, would hereby like to lodge a complaint against Ms. Rakhi Sawant for the reason mentioned hereafter. First, I state that since last few days Ms. Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Ms. Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajesh Kingore. So, देखा आपने? अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैंने, मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राशनी मोरे थी, और आज उसी राशनी मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लेके आऊँ, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है, तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी मेरे घर में, वो इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है,
मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है? राखी सावंत, आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमें डे वन से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत जो मेरे स्टूडियो है ना, वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है, वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे वन से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स है कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है, वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है, कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है, आपको क्या लगता है। आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है। आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी, और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसी कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है, हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ दो शब्द भी गलत बोले। राक्षी, इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का दुबई में कुछ मैटर हुआ था तो राखी आपके साथ में, राखी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था और स्टारबक्स पे बुलाकर यू नो आप दोनों ने सारे मैटर को क्लोज करके एक दूसरे से सॉरी कहा था, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यू नो फिर एक बार आपको यहाँ पर हाजिर होना पड़ा? मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को जी, और ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई, राखी की, मेरी, और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए हैं वो खत्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फाइट हो गया, बहुत 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 झगड़े हो गए। हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राश्री तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं जैसी थी मैं वैसी ही निकली थी। वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी।
मैं वहां पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहां पे, मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहां पे वाहिद जी भी थे, वहां पे फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी वहां पे थे। तो वहां जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी, मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूं, आप तक, जनता तक उसकी कोई चीज बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। और क्या दुबई में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है, वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st यस हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी, वहां जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है। उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबिन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक